भारत की आजादी के 65 साल बाद जनता को पहली बार विश्व स्तरीय शिक्षा और अच्छी गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने वाले और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के सपने को पूरा करने वाले दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को भाजपा के इशारे पे बिना किसी FIR, बिना किसी चार्जशीट, एक झूठे फर्जी निराधार मुकदमे में जेल में बंद कर दिया गया। केवल 4 सरकारी गवाहों के बयान पे, जिनका भाजपा से बहुत करीबी और गहरा संबंध है। वहीं दूसरी ओर 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले में लिप्त अजीत पवार को न केवल महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बनाया गया, बल्कि उनका चार्जशीट से नाम भी हटा दिया गया। अलोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई राज्य सरकारों को गिराना और केंद्रीय एजेंसीज का दुरुपयोग करके विपक्ष के नेताओं को जेल में डालना, आज भाजपा का केवल यही काम रह गया है। श्री अरविंद केजरीवाल जी के आदेश अनुसार आज बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के जन्म दिवस पर संविधान बचाओ तानाशाही हटाओ अभियान के तहत हम सभी लोगों ने ये शपथ ली है कि हम संविधान के आदर्शों और मूल्यों की हर परिस्थिति में रक्षा करेंगे और इस तानाशाही का अंत करेंगे। जय हिंद।